ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा जी के द्वारा बहुत ज़्यादा असंतोष जताया गया नए टैरिफ ऑर्डर के आने के बाद भी, जैसा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री काम कर रहा है। साथ ही साथ 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होने वाली है उसके अंदर बहुत बड़ा टेंशन दिख रहा है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वो सब अपने आप को पीछे की तरफ खींच रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया गया है और उसके कारण इनको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई के द्वारा जो बात कही गई उसके बारे में। तो ट्राई के चेयरमैन ने अभी बात बताई कि पहले की अपेक्षा अभी हमने टेस्टिंग में कुछ बदलाव किए हैं नेटवर्क पोजीशन के। पहले हम टेस्ट किया करते थे रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर हमारा टेस्टिंग हुआ करता था और उसमें हम सिग्नल्स देखा करते थे कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो टेस्टिंग हम किया है हमने इस पिछले महीने के अंदर, उसमें हमने जो बेसमेंट्स, जो हमारे एरियाज, अलग अलग लोकल बॉडी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर इन्होंने अलग अलग जगह पे जाके नेटवर्क का टेस्ट किया है और पाया ये है कि 40% हाइक होने के बाद भी टैरिफ में कोई भी बदलाव नेटवर्क क्वालिटी में नहीं हुआ है, और ना ही इंटरनेट स्पीड अच्छा आ रहा है और ना ही कॉलिंग, कॉल ड्रॉप की जो समस्या है वो ख़त्म हो रही है। अब बात ये निकल के आ रही है कि आर एस शर्मा जी के द्वारा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी बोला गया कि आप लोग एक ऐसा प्रावधान रखो, और इसका ध्यान रखना ये है कि कोई भी कंपनी अगर किसी बड़े अपार्टमेंट के अंदर अपना सिस्टम लेके आना चाहती है बेटर क्वालिटी के लिए, तो आपके पास पहले से उनके इक्विपमेंट लगे होने चाहिए जिससे वो आपके एरिया के अंदर, आपके घर के अंदर अच्छे तरीके से नेटवर्क को प्रोवाइड कर सके। और इसके ऊपर बात चल रही है, आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि और भी चीज़ें ठीक करें, और जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में आर एस शर्मा जी के द्वारा जो बात बताई जा रही है उससे लग रहा है कि नेटवर्क सुधार होगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कॉल ड्रॉप की समस्या इतनी जल्दी हल होने वाली है भारत देश के अंदर। तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या आपको आज भी समस्या का, परेशानी का सामना करना पड़ता है अपने ऑफिस में, घर में, या फिर आते हुए गाड़ी में, कहीं भी? तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात ये निकल के आ रही है 5G के बारे में, जहां पे ट्राई तो ये बोल रहा था कि हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, भारत सरकार कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहीं पे टेलीकॉम कंपनी आज की डेट में सक्षम नहीं है कि वो कोई भी स्पेक्ट्रम को खरीद सके। सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमीडिएटली जो अमाउंट पे करना है, जिसके कारण इनके पास जो भी रिजर्व पैसा बचा हुआ है वो सारा का सारा चले जाने वाला है आपका AGR ड्यूज को क्लियर करने के लिए। तो ये लोग कैसे अप फ्रंट पेमेंट जो करना है DOT को, अगर आप कोई भी स्पेक्ट्रम परचेज करते हो तो कहाँ से करेंगे? तो बात ये निकल के अब सामने आ रही है कि आने वाले 5G स्पेक्ट्रम में जिस हिसाब से टेलीकॉम कंपनीज अपने आप को पीछे खींच रही हैं, जियो सिर्फ एक ऐसी कंपनी होगी जिसके पास 5G का सिम या फिर 5G की सर्विस प्रोवाइड करने का मौका होगा, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो ही बीड कर पाएंगे, और बाकी कंपनीज के पास ना कि पैसा है और ना ही जिस अमाउंट में 5G को रखा गया है वो अमाउंट पे करने की शक्ति है। तो देखने वाली बात है कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या हम लोगों को 5G देखने में कुछ टाइम और लग जाएगा। मतलब ये कि जैसे 4G में डिले हुआ था विश्व के बाकी कंट्रीज के अपेक्षा, वैसे ही 5G अब लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल के बाद ही आ पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके रेट्स ज़्यादा होने वाले हैं। आपको पता होगा कि एक गीकी रंजीत करके हमारे यूट्यूबर हैं जो कि टेक वीडियोस बनाया करते हैं और टेक के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ है, वो कह रहे हैं कि 5G आने के बाद जो पेनिट्रेशन लेवल है वो उतना हाई नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेट लेवल में काम करता है, तो 4G की सर्विस आपको ज़्यादा अच्छे से मिले इस पे विश्वास कीजिए। और 5G का हाइप इतना बना दिया गया है इंडिया के अंदर कि एक छोटा सा 7-8 हज़ार का मोबाइल भी लॉन्च होता है तो लोग पूछते हैं क्या इसके अंदर 5G होगा। तो इस तरीके की बात 5G के बारे में की जाती है। तो लेकिन अभी फिलहाल 5G का मैटर दबता हुआ सामने आ रहा है और आने वाले समय के अंदर क्या निकल के आएगा तकनीकी साथ, जरूर आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन सही लगा तो, और तकनीकी साथ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए कि आने वाले टाइम में कोई वीडियो आता है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन